प्लास्टिक चावल है, आप ही देख लीजिए कि दोनों दोनों चावल में क्या अंतर है। एक ये चावल है, दूसरा ये चावल है। तो है मिला हुआ चावल है, इसमें प्लास्टिक का चावल मिला हुआ है, मिक्स किया हुआ जी। क्या जमाना आ गया है, नकली दूध से लेकर मिलावटी तेल तो बाजारों में बड़े आराम से बिखर रहा था, अब तो चावल भी नकली आ गया है। जी हाँ, भौरा में सरकारी दुकान से मिले चावल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार चावल में प्लास्टिक मिला हुआ है, ये चावल बनाने में भी अजीब सा है, इसलिए इसे खाने में भी डर रहे हैं। प्लास्टिक चावल है, आप ही देख लीजिए कि दोनों दोनों चावल में क्या अंतर है। एक ये चावल है, दूसरा ये चावल है। भौरा 4 नंबर डुमरी स्थित देव पूजन रचक जन वितरण प्रणाली में प्लास्टिक के चावल मिलने की खबर लोगों को परेशान किए हुए है। कोटेदार की दुकान से प्लास्टिक के चावल की बात सामने आने के बाद से लोग अपनी सेहत को लेकर चिंतित हो गए हैं। लोगों का कहना है कि कोटे के चावल में कुछ अलग तरह के चावल दिख रहे हैं। इनका आरोप है कि जब इसे पकाया जा रहा है तो इसमें से चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, इसे खाने के बाद उल्टी, पेट दर्द और पैखाना होने लगा है। खबर मिलने के बाद जो लोग दुकान से चावल ले गए थे वो भी वापस चावल ले आए और दूसरों के चावलों से मिलान करने लगे। जब अन्य लोगों के चावल में भी मिलावट के चावल दिखाई दिए तो लोग गुस्सा हो गए। 4 नंबर से देव पूजा नहीं है। क्या हुआ, क्या दिक्कत है चावल में? ये चावल में प्लास्टिक चावल है, प्लास्टिक में दर्द हो लगा हमको, खाने पे खाना पे खाना हो रहा। कब से हो रहा? हाँ, दो तीन रोज हो गए। लोग राशन उठाते रहे, पहले 50 किलो मिलता था, अब 35 किलो मिला है, अब इसे 35 किलो मिलने लगा है, उसमें प्लास्टिक वाला चावल मिला हुआ। प्लास्टिक चावल आपको कैसे मालूम चला? मालूम चला, चुन करके हम लोग निकाला, उसमें से चुनता है तो ढेर निकलता है। तब इसको क्या बना के खाए थे क्या? हाँ, दिखा है। तो वहीं झरिया सीओ परमेश कुशवाहा ने कहा कि इस तरह का जो मामला है मेरे पास अभी तक नहीं आया, अगर इस तरह का मामला आएगा तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार की सरकारी दुकान है उसके बारे में तो जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा सबसे पहले कि, और हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं है, आप ही के माध्यम से जानकारी मिल रही है। और जहाँ पर है भौरा के बारे में तो यदि आप डिटेल बताएंगे तो हम लोग उसकी जांच कराएंगे और जांच करके जो नियमतः कार्रवाई है वो किया जाएगा उसको। हालांकि सरकारी दुकान से प्लास्टिक चावल मिलने का ये पहला मामला सामने आया है, फिर भी जांच का विषय है। अभी तक सिर्फ YouTube वीडियो में ही प्लास्टिक के चावल देखे गए थे, अब थाली में भी परोसे जाएंगे तो जीवन लीला ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।